नमस्कार, बीसी न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 3,57,000 नए मामले आए सामने, वही 3,450 लोगों की हुई मौत। मुखी सोनू जलाल ने परमवीर सिंह पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप को सही ठहराया। जालन ने कहा, परमवीर सिंह ने मांगी थी खंडनी, क्रिकेट मुखी का भी लगाया आरोप। देश में कोरोना के 34,47,000 से ज्यादा एक्टिव केस, 2,22,000 के पार पहुंची मृतकों की तादाद। आईपीएल में कोरोना ने दी दस्तक, कोलकाता नाइट राइडर्स और चैलेंजर्स बैंगलोर का मैच टला, वरुण चक्रवर्ती की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। मंगलवार को भी 45 प्लस के लोगों को नहीं मिली वैक्सीन, अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी ने दी जानकारी। 25 दिनों बाद 5,000 के नीचे आया आंकड़ा, कोरोना की दहशत से हल्की राहत, स्वस्थ होने वालों की बढ़ रही संख्या। गैंग वॉर में जानलेवा हमला, नाबालिग सहित 4 हिरासत में, गणेशपेट थाना अंतर्गत का मामला। इंडस पेपर मिल में लगी भीषण आग, 10 घंटे बाद भी नहीं पाया जा सका आग पर काबू। हॉस्पिटल वसूल रहे मनमाना बिल, अस्पताल और मनपा ऑडिटर की हुई शिकायत, जनता फाउंडेशन के अध्यक्ष काजी जिशान ने की कार्रवाई की मांग। सोमवार को शहर में 4,987 नए मामले आए सामने, वही 6,601 संक्रमित स्वस्थ होकर लौटे घर। बीसी न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसी न्यूज। नमस्कार।